सीईआरटी के टेस्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसी अनुसार सबसे पहले यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद थ्री टेस्ट ट्यूब वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर टू कंटेन्स एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब कहता तीन टेस्ट ट्यूब में आपको सोल्यूशन दिया हुआ एक में डिस्टिल्ड वाटर है एक में तुम्हारा एसिडिक सोल्यूशन है तीसरे में तुम्हारा बेसिक सोल्यूशन है लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही लिटमस पेपर दिया गया हुआ है रेड तो उससे आप तीनों को कैसे आइडेंटिफाई कीजिए तो सबसे पहले एड लिटमस पेपर इन ऑल द थ्री टेस्ट ट्यूब्स तीनों टेस्ट ट्यूब में लिटमस पेपर को डालेंगे टर्न बाय टर्न मतलब एक एक करके द सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू वह सोल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा वह बेसिक सोल्यूशन होगा सेकेंड स्टेप में तुम्हारा एक तो बेसिक सोल्यूशन निकल गया अब दो सोल्यूशन है आइदर इट इज एसिडिक और डिस्टिल्ड वाटर तो एड ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म फ्रॉम टेस्ट ट्यूब वन मतलब पहले टेस्ट ट्यूब के से जो ब्लू लिटमस पेपर हमको मिला है रिमेनिंग टू टेस्ट ट्यूब उस दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे वन बाय वन द सोल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड वह सोल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा वह एसिडिक सोल्यूशन होगा नंबर थर्ड में तुम्हारा द सोल्यूशन विच हैज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस वह सोल्यूशन जिस पर लाल या नीला लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह न्यूट्रल होगा मीन्स दैट सोल्यूशन विल बी डिस्टिल्ड वाटर क्वेश्चन नंबर सेकंड है तुम्हारा व्हाट शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल दही और खट्टे पदार्थ को पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है द कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिडिक यह दोनों सब्सटेंस एसिडिक होता है दे विल रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर वेसल्स एंड विल स्पॉइल द वेसल्स ये दोनों एसिड जो है वह कॉपर वेसल और ब्रास वेसल से रिएक्ट करके उसको स्पॉइल करेगा मतलब क्या कोरोड करेगा और यही कारण से इन दोनों सब्सटेंस को पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता है तो है क्या कि बिल्कुल इसको सही ढंग से एनसीईआरटी क्वेश्चन कैप्स हो या फिर तुम्हारा एक्सरसाइज है उसको सही ढंग से करना है कम से कम उतना तो करना ही है आसानी से कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए लाइक भी कीजिए और दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस तो कहता है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस प्रायः निकलता है एक एग्जांपल के साथ इसको बताइए और इस निकलने वाले गैस पर किस प्रकार टेस्ट कीजिएगा तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है एग्जाम्पल में जिंक रिएक्ट्स विद गैलिक एसिड जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्शन तुम्हारा जेगन प्लस टू एच सी एल एरो जेगन सी एल टू प्लस एच टू इट कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस जलते हुए कैंडल को गैस के नजदीक लाने से यदि यह पॉप साउंड के साथ जलता है तो दिस गैस इज हाइड्रोजन क्वेश्चन नंबर फोर है तुम्हारा है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद गैलिक एसीएल एसिड एक मेटल का कंपाउंड ए है जो कि गैलिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है प्रोड्यूस एफर्फेरेंस और पदार्थ के साथ दिस गैस इवॉल्व एक्सटेंगाइजेज ए बर्निंग कैंडल जो गैस निकलता है वह जलते हुए मोमबत्ती को बुझा देता है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए यदि इसमें से एक कंपाउंड आपका कैल्शियम क्लोराइड बनता है तो इवॉल्व गैस इज CO2
विच एक्शन गाइजेज ए बर्निंग कैंडल, निकलने वाला गैस तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो जलते हुए कैंडल को बुझा देता है। द कंपाउंड में भी कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन तुम्हारा देखो CaCl3+2HCl केरो CaCl2+Cl वायर टू एच सी एल एच एन ओ थ्री एक्सेट्रा सो एच पी करेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन वायर सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज डज नॉट सो एच पी करेक्टर। कहता है कि एच सी एल एच एन ओ थ्री एक्वस सोल्यूशन में एच टी करेक्टर को बताता है लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज करेक्टर को नहीं बता पाता। HCl NaNO3 gives hydronium ion H3O plus is called hydronium ion in aqueous solution whereas alcohol and glucose doesn't produce hydronium ion। तो यही कारण है कि hydronium ion बनने के कारण HCl NaNO3 sp behavior को show करता है और alcohol और glucose hydronium ion नहीं बना पाने के कारण यह acidic behavior को show नहीं करता है। यहाँ रिएक्शन को लिख दिए HCl plus H2O एरो H3O plus plus Cl minus means क्लोराइड आयन, HNO3 plus H2O एरो हाइड्रोनियम आयन plus नाइट्रेट आयन। क्वेश्चन नंबर 6 से तुम्हारा व्हाट डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड का जलीय घोल विद्युत धारा को क्यों कंडक्ट करता है यानी विद्युत धारा को सुचालक होता है। आंसर है तुम्हारा एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड प्रोड्यूसेस आयंस, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन आयन को प्रोड्यूस करता है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज ड्राई सीएल गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, तो शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज क्यों नहीं करता। आंसर है तुम्हारा ड्राई सीएल डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अम्लीय गुण को नहीं दर्शाता है एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब यही कारण है कि शुष्क लिटमस पेपर के कलर को वह चेंज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड वाटर टू एसिड, तथा ऐसा क्यों कहा जाता है जब एसिड को पानी में मिलाना चाहिए ना कि वाटर को एसिड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिजोल्यूशन ऑफ एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एसिड का वाटर में घुलना बहुत ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा रिलीज होता है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, यदि पानी को सांद्र अम्ल में डाला जाएगा द हीट जनरेटेड में काउज द मिक्सचर टू स्प्लेस आउट, तो जिससे हीट उत्पन्न होगा वह मिक्सचर को में उछाल ला सकता है एंड कैन एंड काउज बर्न्स और जल भी सकता है। Therefore, acid must be added slowly to water. इसलिए एसिड को वाटर में धीरे धीरे मिलाना चाहिए with constant scaling चलाने के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है How is the concentration of hydronium ion affected when solution of an acid is diluted? यदि एसिड सोल्यूशन में पानी मिलाकर डाइल्यूट किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन के कंसेंट्रेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर तुम्हारा व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड, जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन एकांक आयतन में घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में और भी ज्यादा बेस को डाल दिया जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हेन एक्सेस, आंसर है व्हेन एक्सेस बेस इज एडेड, जब अधिक मात्रा में बेस को डाला जाएगा सॉल्यूशन NaOH के सॉल्यूशन में द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इंक्रीजेस, तो
आज पार्ट में तुम्हारा 1 to 10 क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी इंडेक्स बताए हैं और 9 क्वेश्चन और है इसमें। उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बढ़िया से नोट्स लिखिए और पूरा वीडियो देखिए तभी उतार सकिएगा, वरना ऐसे नहीं उतरेगा। याद रखना इतना आसान नहीं है बोर्ड पर से, इसलिए इसका मन से परीक्षा में काम देगा। थैंक यू।